गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा और मैं नड़िया सिटी के जय महाराज एजू फोकस में एज अ सेंट्रल काउंसलिंग हेड यहां पे मेरा सर्विस दे रहा हूं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हर बार हम एक नया वीडियो एवरी वीक लेके आ रहे हैं। लास्ट जो मेरा वीडियो था वो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ही था। आज का ये जो मेरा वीडियो है वो वही इवेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेवल वन और लेवल टू की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है तो उसमें क्या होता है कि लेवल वन यूनिवर्सिटी लेवल टू यूनिवर्सिटी कैसे वर्क करते हैं और आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसमें कैसे इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों, आज हम यही देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली लेवल वन एंड लेवल टू यूनिवर्सिटीज़। एक्चुअली लेवल थ्री तक होते हैं तो इट इज़ इन हाई डिमांड एट दिस स्टेज। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि लेवल वन की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन मिला है तो आपका वीज़ा पक्का आना ही आना है, और अगर लेवल टू में मिला है तो लेवल टू में वीज़ा नहीं आएंगे। हमने ऐसा भी देखा है कि लेवल वन में एडमिशन के बाद भी लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ल भी हुआ है और लेवल टू में एडमिशन आने से उनका वीज़ा लग भी चुका है। सो उतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक इट इज़ जस्ट एन ऑब्सेशन, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी है वो आपका जो वीज़ा फाइलिंग और एडमिशन प्रोसेस है उसमें आपको बिल्कुल ही प्रॉपर चलना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि लेवल वन लेवल टू यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है। सो फ्रेंड्स, जो लेवल वन यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो होती है कि जिनका जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, तो वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को लेवल वन बोला जा सकता है। 10 नंबर के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें लेवल टू यूनिवर्सिटीज़ आती है, बाद में लेवल थ्री यूनिवर्सिटीज़ जो बची हुई है वो होती है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल 41 या 43 स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ है। इसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व है, राइट? तो कौन ये लेवल डिसाइड करता है? तो दोस्तों, एक तो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ और QS रैंकिंग होती है। इसके अलावा टाइम्स रैंकिंग जो कि वर्ल्ड वाइड वर्क करता है, तो टाइम्स रैंकिंग के हिसाब से भी ये रैंकिंग दी जाती है। एवरी 6 मंथ ये जो रैंकिंग है वो रिवाइज होती रहती है, और हो सकता है कि जो टॉप 10 में है उसमें लास्ट 2-3 जो यूनिवर्सिटीज़ है वो फ्लक्चुएट भी होती रहती है। तो उसी के हिसाब से जो हम आपने सुना होगा कि ग्रुप ऑफ 8 यानी कि G8 यूनिवर्सिटीज़ लोगों की बहुत डिमांड होती है कि उस G8 यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो जाए। तो G8 यूनिवर्सिटीज़ क्या है? वो लेवल वन यूनिवर्सिटीज़ होती है, लेकिन जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें लास्ट 2-3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो G8 में आने के लिए कभी कभी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। तो लेवल वन और लेवल टू में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले लेवल टूज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो ट्राई करते हैं कि उनके नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा आए, जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनका पासिंग ग्रेड अच्छा हो, यानी कि उनका ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री वो ऑब्टेन कर पाए। उसके बाद जो है स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉई रेशियो वो भी बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर स्टूडेंट मेंटेन कर लेते हैं तो उनका जो वीज़ा सक्सेस रेशियो होता है वो वीज़ा सक्सेस रेशियो बढ़ने से लेवल टू की यूनिवर्सिटीज़ लेवल वन में जा सकती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में लेवल वन हो या लेवल टू है उसमें स्टूडेंट्स को GTE के जो राइट्स है, राइट, गारंटेड टेम्पररी एंट्रेंट, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट, तो GTE के जो राइट्स है वो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को दिया है गवर्नमेंट ने। तो यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप स्टूडेंट को अच्छे से आप देखो कि वो जो स्टूडेंट्स है वो जेन्युइन है या नहीं, फंडिंग, उसका एजुकेशन, उसका इधर आने का प्रॉस्पेक्ट क्या है, वो सभी चीज़ें आप ठीक से देखो, बाद में वो लोग वीज़ा प्रोसेस करते हैं, राइट? तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो लेवल वन लेवल टू के हिसाब से मानी जा सकती है। दूसरा क्या होता है कि लेवल टू की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आपने जो फंडिंग लेवल वन के एडमिशन क्राइटेरिया के वक्त जो दिखाया है वही फंड आपको लेवल टू में वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे भी दिखाना पड़ेगा। एक ये भी एक डिफरेंस रहता है। तो ये सभी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 43 यूनिवर्सिटीज़ है वो जैसे जो स्टेट्स के हिसाब से माना जाए तो उतने सारे स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, फिर भी मोटा मोटा अगर बता दूं कि क्वींसलैंड है, NSW, न्यू साउथ वेल्स है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ताजमानिया है और
नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये सभी स्टेट्स जो है उसमें ये सभी 43 यूनिवर्सिटीज़ ओवरऑल स्प्रेड हो चुकी है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 में, अगर मैं आपको बताऊँ कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसी होती है, उनके नाम जो है वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ 23 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड और यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग, ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। और इसी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में G8 यानी कि ग्रुप ऑफ 8 जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इसी में इन्वॉल्व है। इसके बाद दोस्तों माना जाए लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़। तो व्हाट इज़ लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़? ऐसा नहीं है कि जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ है वही अच्छी है और लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ है वो बुरी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। लेवल 2 में मर्डॉक यूनिवर्सिटी, कर्टिन यूनिवर्सिटी, डेकिन यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी लेवल 2 में है। ये यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसा तो है नहीं कि कर्टिन या मर्डॉक यूनिवर्सिटी बुरी है, वो भी एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है जो कि हर 6 महीने पे कभी ना कभी फ्लक्चुएट होके लेवल 1 में चली जाएगी, राइट? क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, उनके जो पैरामीटर्स है वो भी बहुत हाई है, तो कभी ना कभी ये भी लेवल 1 में पहुँचनी है, राइट? फॉर इवन अगर आप देखें कि लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, सभी बच्चों को GTE तो क्लियर करना ही है। तो मेरी ऐसी पर्सनल आपको एडवाइस है सभी बच्चों को कि GTE जो है वो आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिए। GTE में जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जो भी आपको कॉल करेंगे या ऑन कॉल जो भी आपका असेसमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर पूरा फोकस करें, राइट? उसके लिए आपका पास्ट एजुकेशन, आपकी प्रपोज स्टडी ऑस्ट्रेलिया में क्या रहनी है, पहले आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस रहा था, उसके आगे अगर देखें कि अपना आपका जो कोर्स है वो आपके पास्ट कोर्स से या एक्सपीरियंस से मिलता जुलता है, उसकी रिलेवेंसी देखी जाएगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट की है वो भी देखा जाएगा, और आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, वो सभी चीज़ें जो भी SOP में मेंशन रहती है। मेरा मानना ऐसा है हर एक स्टूडेंट को अपनी खुद की SOP वो खुद से बनानी चाहिए। अगर आपने खुद से नहीं बनाई है, अगर आपने आपके कंसल्टेंट से हेल्प ली है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप वो SOP पूरी पढ़ते हो और SOP में जो हर एक डिटेल है इंक्लूडिंग योर फंडिंग्स और एवरीथिंग, वो सभी आपको पक्का मालूम होना चाहिए, तभी आप अपना GTE क्लियर कर पाओगे। तो GTE क्लियर करने के बाद ही आप ये जो वीज़ा प्रोसेस है ऑस्ट्रेलिया का वो आप क्लियर कर पाओगे। तो एक और भी मेरा दोस्तों आप सभी को एडवाइस रहेगा कि ट्राई टू अप्लाई इन अ यूनिवर्सिटी लाइक लेवल 1 लेवल 2 यूनिवर्सिटी। अभी कुछ वेट सेक्टर है और प्राइवेट कॉलेजेस भी है, वेट सेक्टर यानी कि जो वोकेशनल कोर्सेज पे लोग जा रहे हैं, अभी इधर लोग ग्रेजुएट होके उधर डिप्लोमा के कोर्स पे जाएंगे तो डेफिनेटली उनका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होना है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अभी ऑस्ट्रेलिया उतना वीज़ा नहीं दे रही थी जितना साल पहले दे रहे थे, तो अभी आपको अगर 12th हो या आपका ग्रेजुएशन हो, जस्ट ट्राई टू गो इन यूनिवर्सिटी बेस, तभी आपका वीज़ा अच्छे से लग पाएगा। और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि लेवल 2 यूनिवर्सिटी में वीज़ा आएगा लेवल 1 में नहीं आएगा, और लेवल 1 में आएगा तो लेवल 2 में नहीं आएगा। सो, ये जो ऑब्सेशन है वो बिल्कुल ही आप मत रखिए। आप अपनी फाइलिंग पे प्रॉपर आप ध्यान रखें, आप अपना जो भी केस है वो आप डिस्कस करने के लिए हमारी 2 ब्रांचेस है, एक नड़िया सिटी में है और एक आनंद सिटी में है, तो प्लीज़ डू विजिट अस। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी है, हमारा GME फोकस का पूरा चैनल है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके ऊपर वो वीडियो बनाऊँ। सो प्लीज़ लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।